हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज हमने पढ़ना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। ममेलियन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, वो अमल जिसमें स्पर्म्स बनते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। द ममेलियन पीजीसीएस प्राइमरी जर्म सेल्स अराइव एट द जेनिटल रिजिस ऑफ द मेल एम्ब्रियो। मेल एम्ब्रियो के जो गनेड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जेनिटल रिजिस। जब ये पीजीसीएस वहां पे पहुंच जाते हैं, नो दे आर कॉल्ड गोनोसाइट्स। क्या कहेंगे हम इन्हें? गोनोसाइट्स। दे बिकम एंटर इन टू द सेक्स कॉर्ड। गोनोसाइट्स जो होते हैं ये एंटर हो जाते हैं सेक्स कॉर्ड में। देयर मेन देयर अंटर मच्योरिटी। जब तक ये मच्योर नहीं होते गोनोसाइट्स, तब तक ये वहां पे ही रहेंगे। एट दैट टाइम सेक्स कॉर्ड हॉलो आउट टू फॉर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्स। सेक्स कॉर्ड जो होता है ये क्या बना देता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। द एपिथेलियम ऑफ द ट्यूब्यूल डिफरेंशिएट इन टू सर्टोली सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं इन टू सर्टोली सेल्स में। दीज सेल्स विल नरिश प्रोटेक्ट एंड डेवलपिंग द स्पर्म सेल्स। कहते हैं ये जो सेल हैं ये नरिशमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं स्पर्म सेल की। इस डायग्राम में हम बात करते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये प्राइमरी सेक्स कॉर्ड है। यहाँ पे जो सेल नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव या प्राइमरी जर्म सेल्स। तो ये सारे का सारा जो है ये इस पोर्शन को हम कहते हैं जेनिटल रिजिस। यहाँ पे हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स की। सर्टोली सेल क्या करते हैं? नरिशमेंट देते हैं और क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं इनको। अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। द गोनोसाइट्स डिफ्रेंशिएट इन टू द पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेम सेल्स। कहते हैं कि गोनोसाइट्स जो होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्टेम सेल्स में। दी सेल्स आर नेम्ड एज अनडिफरेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। दे अपीयर टू रिजाइड इन द स्टेम सेल नीश। नीश क्या होता है? दिस नीश क्रिएटेड बाई द जंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? नीश। कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन। स्पर्मेटोगोनिया हैव द रिसेप्टर्स फॉर द बोथ डब्ल्यू एन टी एंड बी एम पी। ये दोनों क्या हैं? सिग्नल्स हैं, सिग्नल भेजते हैं, प्रोटीन्स हैं। डब्ल्यू एन टी जो होती है सिग्नल पाथवे और द ग्रुप ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे मेड ऑफ प्रोटीन। तो क्या कहते हैं कि ये डब्ल्यू एन टी नजर आ रही है, ये सेल है, टिफ स्टेम सेल जो होते हैं यहाँ ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके। यहाँ पे आके डब्ल्यू एन टी अटैच हो जाती है जिसकी वजह से क्या होती है? प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है, मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे पास सिग्नल इन टू द सेल थ्रू द सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो वही बात होगी कि स्टेम सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यू एन टी के, जब इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है? प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। बी एम पी एस रेगुलेट इनिशिएशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान ये क्या करता है? इनिशिएट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। कहते हैं कि माइस लैक बी एम पी सिक्स बी, माइस के अंदर ये प्रोटीन नहीं होती, डू नॉट इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर उसके पास ये प्रोटीन नहीं होगी तो वो क्या होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट नहीं कर सकेगा। सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आर द सोमेटिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। सर्टोली सेल जो होते हैं सोमेटिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के सोमेटिक सेल्स हैं। सोमेटिक सेल जो होते हैं ये डिप्लॉयड सेल होते हैं। हमारी स्किन जो होती है वो भी सोमेटिक सेल के साथ मिलकर बनी हुई है। दे आर इसेंशियल फॉर द टेस्टिस फॉर्मेशन, टेस्टिस को बनाने में हेल्प करते हैं एंड स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म्स बनते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है जो के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड से क्या बन गया? मैच्योर स्पर्म बन गया। तो ये सारे सारे का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल जो होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं? ये सर्टोली सेल्स ये सारे सारे जो प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे इनको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू जर्म सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल जो होते हैं उन्हें नरिशमेंट, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को, ताकि क्या हो सके? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ हो सके। द स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स बाउंड टू द सर्टोली सेल्स बाई द एनकैडहेरल मॉलिक्यूल्स एंड गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेस मॉलिक्यूल। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल जो प्रेजेंट है, यहाँ पे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है, इन दोनों के ऊपर क्या है? एनकैडहेरल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है
जो कि एक दूसरे को आपस में बाइंड करने में हेल्प करते हैं। गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेस मॉलिक्यूल क्या है? यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स हैं इनके ऊपर गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करते हैं, सर्टोरी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। टाइप ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर स्पर्मेटोगोनिया। ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर कैसे बनते हैं आपस में? माइटोसिस की मदद के साथ। जब ये माइटोसिस करेंगे ए फोर, तो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करेगा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करेगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि टाइप ए वन स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस करते हैं तो टाइप ए टू स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं, फिर ये माइटोसिस करते हैं और ए थ्री बना देते हैं, फिर ये माइटोसिस करते हैं तो ए फोर बना देते हैं, जब ये माइटोसिस करते हैं तो इंटरमीडिएट स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं, जब ये माइटोसिस करते हैं तो टाइप बी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं, फिर जब ये माइटोसिस करते हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देते हैं। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये मियोसिस करते हैं और क्या बना देते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस टू करते हैं और स्पर्मेटिड्स बना देते हैं। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इन टू द स्पर्म्स। यहाँ पे स्पर्मेटिड्स जो होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म के साथ, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की मदद के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये लूज कर देते हैं ये कनेक्शन, जब मतलब कि यहाँ से डिटैच हो जाते हैं तो दे डिफरेंशिएट इनटू द स्पर्म्स, ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पर्म्स में। यहाँ पे हम बात करते हैं द अनडिफरेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड डेंस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। दे एट मैच्योरिटी डिवाइड टू मेक अनदर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड पेयर टाइप ऑफ सेल ए टू स्पर्मेटोगोनिया। द ए टू डिवाइड टू ए थ्री स्पर्मेटोगोनिया, इट देन फॉर्म ए फोर स्पर्मेटोगोनिया। मतलब कि ये क्या होगा कि ये अनडिफरेंशिएटेड टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेंगे तो क्या बना देंगे? ए वन, फिर ये माइटोसिस करेंगे तो ए टू, ए टू डिवाइड करेगा तो ए थ्री, ए थ्री डिवाइड करेगा तो ए फोर, ए फोर डिवाइड करेगा तो फिर दी ए फोर डिफरेंशिएट इन टू द इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया, इट फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, फिर ये क्या बना देंगे? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म बना देंगे। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया इंटरमीडिएट डिवाइड माइटोटिकली प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। दीज आर द लास्ट सेल अंडरगो माइटोसिस, ये लास्ट सेल हैं जो क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। जब ये सेल टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं हमने बात की है दीज सेल्स एंटर मियोसिस, ये क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे और क्या बना देंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिफरेंशिएशन रोल ऑफ सर्टोली सेल एंड एफएसएच। यहां पे हम बात करेंगे जीडीएनएफ की और एससीएफ की। GDNF क्या करता है? अगर इसका लेवल लो होगा तो ये फेवर करता है डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ, तो ये फेवर करता है। अगर इसका लेवल लो हाई होगा तो ये क्या करता है? डू नॉट फेवर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो ये फेवर नहीं करेगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की। SCF क्या होता है? इट प्रमोट ट्रांजिशन टू स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये क्या करता है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कब बनते हैं? जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस करते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जो कि क्या करते हैं? सेकेंड डिवीजन ऑफ मियोसिस को कंप्लीट करते हैं। स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस द हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। अब जो स्पर्मेटिड्स होंगे वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे। दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। अब स्पर्मेटिड्स जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की मदद के साथ। They have the haploid nucleus, इनके पास haploid nucleus है, but they are functionally diploid, लेकिन ये functionally diploid होते हैं। The spermatids are located at the border of lumen, ये क्या होता है? Border पे present होते हैं। They lose their cytoplasmic connection, cytoplasm के साथ जो connection होता है जब ये remove कर देते हैं differentiate हो जाते हैं into spermatozoa। इनका duration कितना होता है? इन mammals के अंदर 65 days होता है।